तो हम यहाँ पे आ चुके हैं तुर्री धाम में, जो कि शक्ति डिस्ट्रिक्ट में आता है और महादेव का एक पवित्र धाम माना जाता है। श्रावण सोमवार में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी। अभी अधिक मास जो था श्रावण सोमवार में, उसमें तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोगों को दर्शन तक ठीक से नहीं मिल पा रहा था। ये देखो, ये जो पवित्र जल आपको दिख रहे, जो जल स्रोत है, ये प्राकृतिक तरह से जो है भगवान शिव के जो है चरणामृत को प्राप्त करते हुए भगवान शिव के ऊपर जो है यह देखो विराजमान होता है। इसी जल को जो है हम भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं, जिससे हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि वो जल कहाँ से आ रहा है और इस प्रकार से भरा हुआ है। मतलब महादेव ये जो प्राकृतिक रूप से यहाँ प्रकट हुए हैं। यहाँ नंदी जी को आप देख सकते हैं विशेष महत्व में, और ये हमारी माताएं हैं जो कि हम उनके साथ आए हुए हैं। ये हमारी माताएं हैं जो कि उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा छोटा बच्चा लोग भी जो है जो कि कीड़ा है। तो ये जो है देखिए, आप माताएं महादेव का आशीर्वाद ले रही हैं। वहाँ पे जो है भगवान शिव के कृपा दृष्टि से इतने सारे पवित्र जल का स्रोत है, जिससे देखिए आप पानी बहते हुए आप देख सकते हैं, जहाँ जो है भगवान शिव का आचमन करते हुए उन पे जल चढ़ाया जा रहा है, उन पे जल विसर्जित किया जा रहा है। और नंदी जी जो यहाँ पे विराजमान है, वो विशेष प्रकार के नंदी जी हैं। यहाँ पे सभी माताओं के द्वारा जो है भगवान शिव का कृपा दृष्टि आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। जहाँ आप देख सकते हैं कि वो प्राकृतिक जल स्रोत पता नहीं कितने वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से वहाँ बहता आ रहा है, जिसके अभी मंदिर तो अभी भी बनाया गया है, लेकिन भगवान शिव की कृपा, मंदिर तो कुछ ज़्यादा समय पुराना नहीं होगा, लेकिन कृपा दृष्टि भगवान शिव का अनेक अनेक अनंत अनंत समय से है। भगवान शिव की आप आरती या फिर जो है 12 ज्योतिर्लिंग आप जो स्रोत देख सकते हैं, जहाँ सौराष्ट्र सोमनाथम चाह श्री शैली मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओमकार ममलेश्वरम परल्य वैजनाथम चाह डाके शंकरम सेतु बंधितु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणसी तत्विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालयेतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन सप्तजन्म कृतं पापस्मरणे नमिष्यति इति द्वादश ज्योतिर्लिंग स्रोतम स्तुति संपूर्णम। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचाक्षर स्रोत है, यहाँ मृत्युंजय मंत्र है, यहाँ पे जो है शिव श्री शिव पंचाक्षर स्रोतम है नागेंद्र हाराय वाला, ये शिव जी की आरती है आप देख सकते हैं, जो कि भक्तों के लिए यहाँ पे लगाई गई है। जो देखिए भगवान शिव की प्रतिमा श्री कार्तिकेय और श्री गणेश जी के साथ यहाँ पर विराजमान है, और कई प्रकार से प्राकृतिक जल स्रोत आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर भी जो है भगवान शिव के लिंगाष्टकम जो है काल भैरव अष्टकम जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर लगी हुई है। भगवान शिव के एक और शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है, जहाँ नंदी जी देखिए आप कुछ विशेष प्रकार के नंदी जी, जहाँ उनके सिर को नहीं मिल रहा है। क्या इसका कनेक्शन कोई विदेशी आक्रांताओं से है? इसका ऐतिहासिक कारण मैं अवश्य जानना चाहूंगा। आप अगर जानते हैं, हमारे महादेव जी विराजमान है यहाँ पे तुर्री धाम में। आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे माताएं आशीर्वाद ले रही है भगवान शिव का। वो जल स्रोत जो कि प्राकृतिक जल स्रोत है, पता नहीं कितने अनेकों वर्षों से यहाँ पे विराजमान है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे देखो नारियल का जो नारियल ये जो है नारियल को जो है भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जा रहा है, विसर्जन किया जा रहा है, अपनी मनोकामनाओं को यहाँ पे पूर्ण किया जा सकता है। आप भी यहाँ आ सकते हैं। श्रावण महादेव जी के जलाभिषेक के लिए घर से भी जो है जल लाया गया है, जहाँ छोटे बच्चों को भी जो है छोटे छोटे कलश छोटे छोटे जो है पात्र दिए जा रहे हैं, जहाँ बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। देख सकते हैं हम छोटा सा बच्चा जो है तैयारी कर रहा है, छोटा कीड़ा बच्चा जो कि कृष्ण भगवान के यहाँ पे माला ही पहने। हमारे श्री कृष्ण यहाँ पे विराजमान है, आप देख सकते हैं भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र, और उसके पश्चात जो है माताएँ जो है ये देखो बच्चे को भी मिल रहा है, बच्चा भी जो है वहाँ पे चढ़ाने जा रहा है। हमारा छोटा सा बच्चा जो भाई है जो कीड़ा है हमारा, वो जो है भी वो भी क्या है जलाभिषेक करने जा रहा है, वो भी जलाभिषेक कर रहा है। महादेव की जो है कृपा प्राप्त की जा रही सभी के द्वारा, लेकिन हमारा वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं है भाई साहब, अब क्या कर सकते हैं, आवाज़ को ही सुनो, क्योंकि स्वराज्य ध्वज हमारे चैनल में आवाज़। अब यहाँ पर मैं जो है जल को उठा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए अब हम जो है भगवान शिव के जो है अभिषेक अवश्य यहाँ पे करेंगे। हमारे वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं, केवल हाथ को ही देख के खुश रहो भाई, प्रसन्न रहो। एक 8 सौंट अगर मेला होगा वीडियो का तो फिर आप उसको जरूर यहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं, बाकी वीडियो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अब किसी को बनाने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन कोई बनाएगा अगर वीडियो तो ठीक है, अन्यथा फिर क्या है, अपने को ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा भाई साहब। हमारी एक माता को मैंने शूटिंग करने के लिए दिया था भाई साहब, देखो कैसे शूटिंग किया जा रहा है, मैं थोड़ा सा बस दिख रहा हूँ उसमें से, मेरे भाई फोटो ठीक से नहीं आ रहा, वीडियो ठीक से नहीं आ रहा, फिर भी जो है कैसा भी करके उन्होंने थोड़ा अच्छा खासा शूटिंग किया। मेरा हाथ तो कम से कम दिख रहा है, मैं भी थोड़ा बहुत दिख ही रहा हूँ कम से कम। जलाभिषेक कर रहे हैं महादेव का, अपना पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, जितना भी प्राप्त कर सकते हैं महादेव की कृपा दृष्टि सभी पे बने रहे, हम पे बनी रहे। बाकी जो है भगवान शिव का जो है द्वादश मंत्र जो है श्री शिवाय नमः मंत्र जो है सब प्रकार चल रहा है। माता जी तो जो है केवल हमारे अमृत तुल्य जल पे ही, प्राकृतिक जो है जल स्रोत उस पर फोकस कर रहे हैं। मैं तो दिख भी नहीं रहा हूँ ठीक से, फिर भी ठीक है, हम भी जो है जल ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जल धारा बह रही है प्राकृतिक रूप से, उसको मैं उठा लिया हूँ, फिर उसको वापस लेके आएंगे, उसको घर लेके आएंगे, उसको लिए अपने कार्य को सिद्धि के लिए महादेव से प्रार्थना करेंगे। और बाकी माताएँ जो है पूजा में अपने बहुत ध्यान दे ही रही है। अपना भी कुछ क्लिप ऐड कर लेते हैं जिसको आप देख लीजिए, जो भी बना है यही है भाई साहब। Hey!
यहाँ पे माताओं के द्वारा जो है धूप दीप वगैरह जलाया जा रहा है, तैयारी की जा रही है महादेव की पूजा की आरती की। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रज्वलित किया जा रहा है धूप दीप को। यहाँ पे माताएं जो है फूल पान चढ़ाने के लिए तैयारी कर रही हैं। बाकी आप जो है बच्चों को खेलते हैं, भजन करते हैं, आप सभी लोगों को आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। और देखते हैं कि आगे क्या करना है। और बाकी सब माताएं तो अपना अपना काम कर ही रही हैं। प्रज्वलित हो रहा है दीप, जो है हमारी भक्ति की धारा चल रही है वहाँ पे, विद्युत धारा हमारे अर्थात उस प्रकार से हमारे जो है प्राकृतिक जो जल स्रोत है वो भी बह रहा है। धूप दीप से महादेव की आरती की जा रही है। यहाँ पे भगवान शिव को प्रसन्न किया जा रहा है। आप भी यहाँ अवश्य आइए इस जल स्रोत के, प्राकृतिक जल स्रोत के, और महादेव साक्षात हमारे तुरी धाम में विराजित महादेव से अपनी मनोकामना अवश्य कहिए, जो कि भगवान शिव आपका जो इच्छाओं को अवश्य पूरी करेंगे। क्योंकि देवाधिदेव महादेव वही तो हैं जो कि ब्रह्मा के लेख को बदल के भी जो है आपको वो देते हैं जो कि आपके भाग्य में नहीं होता है। बाकी भगत भक्ति भजन चल ही रहा है महादेव का, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी भक्त जो है भक्ति कर रहे हैं। लगता है हमारे छोटे बच्चों को यहाँ कुछ अच्छा ज़्यादा नहीं लग रहा है, वो बोर हो रहे हैं। बाकी हम जो है आरती करने के बाद, महादेव की आरती करने के बाद आपको जो है बाहर नंदी जी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहो वीडियो के साथ। जय श्री राम। महादेव की पुण्य आरती का फल प्राप्त कर लिया। कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था इसलिए मैंने खुद आरती किया, वीडियो नहीं बनाया। यहाँ बाहर में हम नंदी जी को देख सकते हैं, आप नंदी जी जिससे हमने अभी प्रार्थना किया है। बाकी आप इनके कान में अपने जो भी इच्छा है, जो भी प्रार्थना उसको कह सकते हैं, देख सकते हैं आप अलग अलग एंगल से हमारे नंदी महाराज जी को, जिनके साथ हमने कई सारे फोटो भी खिंचाए हैं। और यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी को और श्री हनुमान जी को आप देख सकते हैं, जिनका दर्शन महादेव के दर्शन से पहले अथवा बाद में आप कभी भी कर सकते हैं। अर्थात ये जो है रखवाले हैं द्वार में, राम द्वारे तुम रखवाले हो तना बिनु वैशाली ये कहा जाता है हनुमान जी को। ये देखो हनुमान जी की मूर्ति आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पे आपको चंदन भी देखने को मिल रहा है। या देखिए कुमकुम रखा हुआ है, हल्दी रखा हुआ है, यहाँ पे आप दान दक्षिणा कर सकते हैं, इसको आप टीका लगा सकते हैं, इसको हम भी लगाए हैं, आप भी लगाइए। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हनुमान जी, ये देखिए आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं तुरी धाम का, जहाँ पे आप देखिए प्राकृतिक नज़ारा है। जहाँ इसमें इतनी भीड़ थी सावन सोमवार के समय में अधिक मास में कि आपको खड़े होने का जगह नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए माता यहाँ पे खुशी से बैठी हुई है। वो जो नंदी महाराज से उनके कान में प्रार्थना किया जा रहा है। और बाकी सभी की इच्छाएं महाराज महादेव पूरी करें। यहाँ पे खाने व्यवस्था जो भी अपने अपना कर रहे हैं, सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं माता को। भगवान जी अब हम आपको मंदिर का क्लोजअप शॉट, दूर का शॉट पूरा दिखाते हैं। हम ऊपर एरिया में आ चुके हैं जहाँ ये देखिए ये महादेव का जो है तुरी धाम जी का मंदिर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। अब थोड़ा जूम किया जाएगा वीडियो को, थोड़ा देखिएगा आप। ये देखिए प्राकृतिक नजारा है यहाँ पे माता दुर्गा जी का मंदिर से, जहाँ हम गए थे 12 बजे के बाद उसमें ताला बंद कर दिया जाता है, अर्थात प्रवेश वर्जित है। हम प्रवेश कर सकते हैं लेकिन ऐसे काम नहीं करते। यहाँ देखिए बच्चा जो है भगवान श्री कृष्ण जी के माला के साथ खेलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। हम आपको दिखाते हैं भगवान शिव का मंदिर तुरी धाम में। देखिए थोड़ा जूम कर दिया जाए वीडियो को, थोड़ा हाँ जूम हो चुका है। अब देखिए और ज्यादा जूम हो गया। ये देखो त्रिशूल जो है महादेव के जो है मंडप मंदिर के जो है शिखर स्तंभ पे लगा हुआ है। यहाँ महादेव के मंदिर जी को आप देख सकते हैं। यहाँ से जो है हम अभी चल के आए हुए हैं वापिस, और ये है महादेव जी का मंदिर। और ये प्राकृतिक नजारा आप देख ही सकते हैं अपने आस पास में। बाकी अब जो है इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कैसा लग रहा है। ये देखो यहाँ पे ताला लग चुका है भाई साहब, प्रवेश वर्जित। चलो यहीं से माता का प्रणाम कर लेते हैं भाई साहब। ये है हमारे नंदी महाराज, लेकिन मुझे ये तो हमारे दोस्त हैं, मुझे मेरे दोस्तों का दोस्त मिल गया। देखो आपको दिखाता हूँ, वो देखो वहाँ कुछ दिख रहा है आपको। ये देखो ये है वराह रूपम सुअर भाई साहब, ये है अपने दोस्तों के दोस्त। हेलो बोलो बे लौंडो अपने दोस्तों को।